हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, कुछ अपन इस तरह के स्टेटस वीडियो बनाने सीखेंगे जो कि मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सेम टू सेम वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर लेना है काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस के आइकन क्लिक करके नो सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आप दूसरे फ्रेम में बनाना चाहते हो तो उसमें भी बना सकते हो, इसमें बनाना चाहते हो तो इसमें भी बना सकते हो। मैं आपको इस फ्रेम में नहीं बता रहा हूँ गाइस, तो मैं इंस्टाग्राम फ्रेम में बना के आपको दिखाऊंगा। तो मैंने 3.4 वाले फ्रेम में चूज़ करके इसमें बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, यहाँ से अपन एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, कोई सा भी आपको मन पसंद एक बैकग्राउंड ले लीजिए। तो देख सकते हो मैंने इस तरह का कुछ बैकग्राउंड ले लिया। अब क्या करेंगे गाइस, आपको उनको जाना है लेयर को ऑप्शन को और मीडिया को ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना गाइस, यहाँ से कुछ फोटो सेलेक्ट करना। अदर गाइस आप कॉमेंट में लिखते हो गाइस तो मैं आपको 3 लेयर वीडियो भी बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि 3 लेयर जो कि अपनी वीडियो चलेगी 3 लाइन में, तो वो भी बनाना सिखाऊंगा जो कि मैं आज आपको फोटो की बनाना सिखा रहा हूँ ओनली, ठीक ना। तो अपन यहाँ से कोई सी फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस, 2-3 से 4 फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से फोटो लेऊंगा। तो गाइस फर्स्ट नंबर अपना ये फोटो एक हो गया। तो क्या करेंगे गाइस, अपन को इसको यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद राइट के ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया का ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से जिस मीडिया के ऑप्शन पे जाके और लेयर के ऑप्शन पे जाके क्या करना गाइस, यहाँ से एक और फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो कि मनपसंद। आपको जितने फोटो उनको बनाना चाहते हो गाइस उतने फोटो के आप बना सकते हो। तो मैं एक फोटो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक ना। इस तरह से मैंने एक फोटो ये सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करूँगा गाइस, एक और फोटो लूँगा। तो गाइस वीडियो को मिस ना करें और इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेस बताऊंगा जो कि आपको अभी तक किसी वीडियो में किसी ने नहीं बताया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ जो कि इस चैनल पर, ठीक ना। तो अपन इस तरह से कर लेंगे। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से अपन एक लड़की का फोटो लेंगे ओनली, ठीक ना। तो देख सकते हो इस तरह से मैं लेंगे। तो अपन थोड़ा इसको जूमिंग कम करेंगे ताकि अपना फोटो वीडियो कुछ अच्छी लगे, ठीक ना। तो अपन इसको कटिंग करेंगे ताकि कुछ मस्त वीडियो लगे, क्योंकि इसमें क्रॉपिंग में सही नहीं आ पाएगा। तो गाइस अपन क्या करते हैं, दूसरा फोटो ले लेते हैं। तो आपको क्या करना गाइस, इस फोटो को अपन हटा देते हैं। तो क्या करेंगे गाइस, इस फोटो क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आता है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो वो फोटो अपना पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, दूसरा फोटो कोई सा भी ले लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन सा फोटो अपना बेहतर रहेगा, उसी को लगाएंगे ताकि अपन वीडियो बहुत मस्त लगे, ठीक ना। तो चलो ठीक है गाइस, अपन ये वाला फोटो ले लेते हैं। ये वाला फोटो लेने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ पे क्लिक करना और आपको थोड़ा इधर जाना नीचे की साइड और इसको क्रॉपिंग कर देना। इस तरह से क्रॉप कर लेना है, ठीक ना। इस तरह से अपन क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद राइट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से अपन को थोड़ा जूमिंग कर लेना। जूमिंग करने के बाद इस तरह से अपन को यहाँ पे लगा लेना। लगाने के बाद क्या करेंगे इस थोड़ा और इस फोटो को ऊपर की साइड सरकाएंगे, इसको थोड़ा और ऊपर करेंगे। इस तरह से अपन को थोड़ा और जूमिंग कम कर लेते हैं तो अपनी वीडियो कुछ मस्त लगेगी गाइस। अभी देख सकते हो अभी ये तो कुछ अपना वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरे फोटो को थोड़ा अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको ए सी क्लिक करना और नीचे ना क्रॉपिंग को ऑप्शन पे से अनेबल करना और इसको इस तरह से थोड़ा रोटेशन इसका इतना कर देना। रोटेशन करते ही हम क्या होगा, इस तरह से आपका फोटो कटिंग टाइप का दिखेगा। थोड़ा और अपन जूमिंग कर लें। जूमिंग करने के बाद क्या करना गाइस, इस तरह से लगा लेना। अब सेम प्रोसेस फोटो करेंगे। सेम प्रोसेस फोटो करने के बाद अपन सबसे पहले 3 रोड पे जाते हैं, बैक फ्रंट पे इस तरह लाते हैं, सबसे ऊपर फोटो को लाते हैं। अब क्या करेंगे इस यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये फोटो अपना कुछ ज़्यादा है, ऊपर की साइड अपन इसको काट सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन है काटने का। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा और इसको क्रॉप कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से क्रॉप कर लेंगे तो क्या होगा गाइस, अपना फोटो कुछ वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इस तरह से कर लेते हैं। अब क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रॉपिंग के ऑप्शन पे से अनेबल करेंगे और थोड़ा इस तरह का इसको भी अपन रोटेशन बढ़ा देंगे, देख सकते हो, ठीक ना। अब सेम प्रोसेस ऊपर वाले में करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदर गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। देख सकते हो अपना इतना कंप्लीट वीडियो होगा। अब क्या करते हैं गाइस, इस लेयर को अपन कर लेते हैं 30 से 40 सेकंड का। अदर गाइस और भी फोटो जोड़ना चाहते हो इसमें और भी फोटो जोड़ सकते हो। अदर इतनी फोटो की आप बनाना चाहते हो जैसे कि 3 लेयर में तो ऐसे बना सकते हो। और गाइस मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जो कि 3 लेयर में जैसे कि मैं आपको फोटो बनाने दिखा रहा हूँ वैसी सेम वीडियो में आपको वीडियो जो कि वीडियो चलेंगी अपनी 3 लेयर में, वो बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और मुझे कमेंट करना तो मैं आपके लिए वो वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। तो देख सकते हो अपने इस तरह से कर लिया। अब क्या करेंगे, सबको लेयर पे जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना है। तो गाइस अब इसमें क्या करेंगे, अपने इसमें इफेक्ट लगाएंगे ताकि अपनी वीडियो बहुत मस्त लगे। तो अब क्या करेंगे, मैंने इसमें इफेक्ट वगैरह ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर आपके पास नहीं
हैं तो गाइस क्या करना, मुझे कमेंट करना और आपको कौन कौन से इफेक्ट चाहिए इसके। अदर गाइस मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूँ तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अपन स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करेंगे और इसका फुल स्क्रीन कर देंगे। अब अपने पास कुछ ये लाइट इफेक्ट रहेगा तो अपन पे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इसका स्क्रीन कर देना है। तो अपना वीडियो कुछ इस तरह से अभी लग रहा है, देख सकते हो। अब क्या करेंगे, इसी लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे स्टिकर पर क्लिक करेंगे। सॉरी, स्टिकर क्लिक करने के बाद एक आपको बहुत अच्छा इसमें लेयर वीडियो मिलेगा जो कि लेयर वीडियो टाइप का ही हैगा। तो उससे क्या होगा, आपकी वीडियो बहुत मस्त लगती है। तो मैं वो लगा के दिखा देता हूँ, उससे क्या होगा गाइस, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये वाला अपन ले लेते हैं। ये लेने के बाद क्या करेंगे, इसको अपन इस तरह से लगा लें। लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह से अपन इसको कन्वर्ट कर दें तो राइट के ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं और क्या करते हैं, इसका लेयर अपनी वीडियो के बराबर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें ब्लैक स्क्रीन सॉन्ग यूज़ करेंगे तो आपको लेयर पर जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना और यहाँ से आपको एक लेयर सॉन्ग मिल जाएगा जो कि उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो गाइस आपको वो डाउनलोड कर लेना है। तो मैं देख लेता हूँ, इसी में मैंने पटक रखा है तो गाइस वो आपको लगा के दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। और अदर गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। तो अपन ये लेयर सॉन्ग लगाएंगे, क्या करेंगे ऐसे आपको रीड जाना ब्लेंडिंग ऑप्शन पर, इसका भी एक स्क्रीन कर लेना। स्क्रीन करने के बाद गाइस अब आपको इस सॉन्ग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ चाहो इसको लगा सकते हो इस तरह से, ठीक ना। राइट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, देख सकते हो इस तरह से अपना वीडियो बन के कम्प्लीट हुआ था। मैं आपको वीडियो चला के दिखाता था तो वो अपनी वीडियो किस तरह से लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, सेम वीडियो अपना बनकर कंप्लीट हो गया। अदर गाइस आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ चैनल। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।